इन दिनों शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। इसका विरोध करने वाले इस गाने में भगवा रंग के कपड़े का इस्तेमाल किए जाने को लेकर आपत्ति जता रहे हैं और इसे हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला बता रहे हैं। बेशर्म रंग गाने पर विवाद के बीच दक्षिणपंथी संगठनों ने पठान फिल्म का बहिष्कार करने का भी आह्वान किया है। ऐसे में भगवा रंग के इस्तेमाल पर बहस छिड़ गई है। इसी बहस के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान चर्चा में है। दरअसल उन्होंने कहा है कि घर परिवार को त्याग कर साधु संत भगवा रंग धारण करते हैं, जबकि गुंडे वसूली करने के लिए भगवा रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि कपड़ा पहनना अलग चीज है, धारण करना अलग है। और धारण कौन करता है, अंगीकार कौन करता है? जब साधु संत हैं, वो जब पूरे समाज को घर परिवार को त्याग देता है, तब जाके भगवा रंग है या गेरुआ रंग स्वीकार करता है। वो चीते के जो लौ है ना, ज्वाला, उसके रंग का है वो। मतलब सब कुछ त्याग दिया, अब ये बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं। बताया भले इन्होंने क्या त्याग किया है समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है? वो तो बल्कि वसूली करने के लिए वो पहन रहे हैं। तो ये अंतर उन्होंने त्याग किया क्या, मुझे ये बता दें। कलर तो कोई भी पहन रहे हैं। और यदि कलर की बात है तो जो भारतीय जनता पार्टी में आजकल सांसद हैं, विधायक बने हैं और वो हीरो हैं, और हीरोइनों के सामने जो भगवा रंग के कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं, उसके बारे में क्या इनके विचार हैं? रंगों से किसी जाति धर्म तय नहीं करना चाहिए।